बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे इज़ आवर मैथ्स डायरी, डे 22 अगस्त 2020, लेक्चर नंबर 19, डे सैटरडे, मैथ्स वर्कबुक पेज नंबर 39, लास्ट वर्कबुक पेज नंबर 40 हमारा होमवर्क में है। हमने ये होमवर्क में करना है, सबसे फर्स्ट पे हम 39 पेज ओपन करेंगे, उस पर क्लास वर्क करेंगे, देन हमने 40 पेज ओपन किया तो हमने उस पर होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, और लाजमी करना है हमने होमवर्क जो है। नाउ ओपन योर मैथ्स वर्कबुक पेज नंबर 39, डे 22 अगस्त 2020, जो हमारा आज का टॉपिक है वो शेप्स है। तो फाइंड एंड कलर द शेप्स, हमने जो ये पैलेस बना हुआ है, हाउस बना हुआ है, उसमें से हमने अपनी शेप्स जो हैं वो फाइंड करनी है, देन उनमें कलर्स करने हैं। शेप्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, देन रेक्टेंगल। तो हम जो हैं पहले फाइंड करेंगे अपनी शेप्स। ये देखें, लाइक ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, सर्कल, रेक्टेंगल शेप, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो हमने ये फाइंड की अपनी जो शेप्स हैं। टाइम शॉर्टेज की वजह से मैम ने पहले से ही कलरिंग की हुई है, तो आपने इसी तरह से अपनी जो वर्कबुक है उसके ऊपर आपने शेप्स जो हैं वो फाइंड करनी है, देन उनमें ये कलर्स करने हैं। हमारी जो सर्कल शेप है उसमें उसकी रिकग्निशन किस कलर से होती है? रेड कलर से। हम शेप्स जो है वो सर्कल शेप जो है वो फाइंड करेंगे, देन उसमें रेड कलर करेंगे। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। साइड्स पे हमने कलर किया, देन सेंटर में कलर करना है। इसी तरह आपने नीचे आना है। ये जो शेप सर्कल बनी हुई है इसको पहले साइड्स पे कलर करके सेंटर में कलर करेंगे। साइड पे कलर किया, देन सेंटर में कलर किया। चलें, देन आपने येलो कलर लिया। स्क्वेयर्स, स्क्वेयर की पहचान किस कलर से होती है? येलो कलर से। तो हमने येलो कलर स्क्वेयर्स को फाइंड करना है। ये स्क्वेयर है, एक ये है और एक ये है, तो इनकी साइड्स पे पहले कलर करेंगे, देन सेंटर में कलर करेंगे। कलरिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। इसी तरह आपने इसके सेंटर में कलर किया। इस शेप में भी आप साइड्स पे कलर करने के बाद सेंटर में कलर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वेयर्स हमारे कंप्लीट हुए। देन आपने ब्लू कलर लिया, ब्लू कलर जो ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे, 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं, तो हम इसमें ब्लू कलर करने जा रहे हैं। साइड्स पे कलर करेंगे ब्लू ट्रायंगल की, देन हम सेंटर में कलर करेंगे। इसी तरह नीचे वाली शेप पे आए, सेंटर में सॉरी साइड्स पे कलर किया, देन सेंटर में कलरिंग करेंगे हम। साइड्स पे कलर किया, साइड्स पे करने के बाद हम सेंटर में फिल करेंगे। वाइट वाइट बिल्कुल भी नहीं नज़र आए, और बिल्कुल नीटली वर्क करना है आपने अपना। देन हमने ग्रीन कलर लेना है। ग्रीन कलर जो है वो हमारी रेक्टेंगल शेप में करते हैं हम। रेक्टेंगल शेप की रिकग्निशन किस कलर से होती है? ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर हमने लिया, फाइंड करेंगे 1 2 3 4, फोर रेक्टेंगल्स हैं, तो हम इसमें कलर करेंगे साइड्स पे। साइड्स पे कलर किया हमने ग्रीन कलर, देन सेंटर में कलर किया। सेम इसी तरह आप लोगों ने कलरिंग करनी है। देन आपने सेंटर में कलर किया। रेक्टेंगल की साइड्स पे कलर करेंगे, देन सेंटर में कलरिंग करनी है हमने। इसी तरह साइड वाले जो है रेक्टेंगल में भी साइड्स पे कलर किया, देन सेंटर में कलर करना है हमने। वाइट वाइट बिल्कुल भी नहीं नज़र आए। ओके
ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने मैम की तरह सेम कलर्स करने हैं, नीट नीट हो जो हमारा वर्क है वो बहुत अच्छा लगना चाहिए। नोट है हमारे पास, गाइड द स्टूडेंट टू लुक अराउंड द क्लासरूम एंड फाइंड ऑब्जेक्ट विच हैव शेप एज मेंशन अबव। इसी तरह जैसे हमारा पहले काम था कि हमने क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्व करना है हमारी चीज़ों को, देखना हमने कि क्या चीज़ किस शेप से मैच करती है, तो उसे हम मेंशन भी करेंगे। सेम इसी तरह आप क्लासरूम में तो आप नहीं आते हैं, स्कूल में तो आपने अपने घर में देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शेप से मैच करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन आवर वर्क, आज का हमारा काम कंप्लीट हुआ। देन आपने जो है नेक्स्ट पेज ओपन करना है, 40 पेज नंबर ओपन करके ये आपने होमवर्क कर लेना है। डेट मेंशन करेंगे, देन रिकग्निशन ऑफ नंबर्स जॉइन 0 to 10 एंड कलर द पिक्चर्स, या आपने जॉइन करने हैं डॉट्स, और इसी तरह से अपना काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।